सेकंड क्या दे रखा है आपके, एक कंपनी में कर्मचारी को दिया जाने वाला वार्षिक वेतन, कर्मचारी को मतलब सभी को, तो देखो ध्यान, सभी का औसत, सभी का औसत वेतन दे रखा है आपके कितना दे रखा है, वो है आपके 5,000 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा आपके x समांतर माध्य मिक्स है सभी का। फिर दे रखा है औसत वार्षिक वेतन पुरुषों का। अब है पुरुष का जो दे रखा है वेतन, वो दे औसत है, पुरुषों का औसत वेतन या मिक्स है सभी का है, मतलब पुरुष भी शामिल है और महिला भी शामिल है। तो पुरुष को हमने क्या माना है, x1 माना है, और महिला को क्या माना है हमने, समांतर माध्य 2 माना है, मीन 1 मीन 2 और ये कंबाइंड मीन, ये दे रखा है आपके 5,200। और महिलाओं के लिए कितना हो जाएगा आपके, वो हो जाएगा आपके 4,200। ये अलग अलग है और ये आपके दोनों साथ में, वन का भी है और टू का भी है। हमें ज्ञात करना है दोनों की, पुरुषों की महिलाओं क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है, वो भी कितना करनी है, परसेंटेज में ज्ञात करनी है, सेम जो भी पहले था वही। पहले लिखाएंगे हम कंबाइंड मीन, या ऐसा कह सकते हो मीन 1 2 1, पुरुषों का और महिलाओं का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, पुरुषों का औसत पुरुषों की संख्या, महिलाओं का औसत महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या, ये सूत्र है कंबाइंड मीन ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब देखो कंबाइंड मीन दे रखा है आपके 5,000, पुरुषों का दे रखा है 5,200 N1 प्लस आपके महिलाओं को दे रखा है 4,200 N2 बटा हो जाएगा आपके N1 N2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 5,200 N1 प्लस 4,200 N2 बराबर, ऐसे गुणा तिरछा, तो क्या आ जाएगा 5,000 N1 प्लस 5,000 N2 पक्षांतरण, ये सारे सारे इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 5,200 N1 प्लस 4,200 N2 माइनस 5,000 N1 माइनस 5,000 N2 बराबर क्या हो गया आपके 0। ये रहा N1 और ये रहा N1, ये दोनों सेम, 5,200 में से गए 5, पीछे कितने बचे आपके 200 N1 बचा। फिर देखो आपके ये वाला और ये वाला क्या है आपके सेम, मतलब ये भी N2 है और ये भी N2 है, तो 5 में से गए 4,200, पीछे कितने बचे आपके 800 N2 बचे, ज्यादा कौन से हैं, माइनस वाले ज्यादा है, बराबर क्या हो गया आपके 0। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण क्या बनाएंगे हम, परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज क्या होता है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, तो ये हो जाएगा N1 प्लस N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ये हो गया समीकरण नंबर 2, क्योंकि हमारे पास ये दे रखा है प्रतिशत में, इसी कारण हमने दोनों संख्याओं का योग कितना माना है 100। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, इनको मिलाओ तो 200 से गुणा करो, इनको मिलाओ तो 800 से, इनको मिलाएंगे तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे, इनको मिलाएंगे तो चिन्ह बदलने का आवश्यकता नहीं है, एक माइनस का और एक प्लस का ऑलरेडी है, हम क्या करेंगे इसको गुणा कर देंगे 800 से, ये तो सेम वही रहेगा 200 N1 माइनस 800 N2 बराबर 0। और ये दे रखा है गुणा करो 800 से क्या हो जाएगा, 800 N1 प्लस 800 N2 बराबर कितना हो जाएगा 80,000। ये कैंसिल, 800 200 कितना हो गया आपके 1600 N1 बराबर हो गए आपके 80,000 आपके 1,000 होता है 1,000 जोड़ करनी। अब ये गुणा में तो हो जाएगा आपके भाग में, तो N1 ये हो जाएगा आपके 80,000 बटा कितने 1,000 कट गए, तो बताओ पुरुषों की संख्या कितनी है आपकी 80%। बाकी 20% क्या हो गया आपके महिलाएं, तो महिलाएं हो जाएगी आपके बाकी का 20%, ये हो जाएगी महिलाओं की संख्या 20%।